दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक और पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके उठना, अपना व्यक्तित्व विकास करना, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनका पुनर्स्थापित करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम के अंदर जो जो विषय रखे जाते हैं, जो जो बातें बताई जाती है, सब विकास की बातें होती है। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और विषय बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी वर्ग के लोगों को संस्कार देने वाले होते हैं। ऐसी सामग्री तैयार की जाती है, उस एपिसोड को होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, शोध परक बनाया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है कि आठ प्रवचन माता हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय और ये पालन का विषय है, ये आचार संहिता का विषय है। जैन धर्म के अंदर आठ प्रवचन माताएं दी गई है कि एक साधु जीवन जब साधुचर्या स्वीकार कर लेता है तो ऐसे कौन सी बाढ़ है, ऐसे कौन से सुरक्षा कवच है जो कि उसका साधु जीवन आराम से पालन कर सकता है। वो तो साधु के लिए तो एकदम संपूर्ण रूप से जागरूकता से पालन करना होता है, लेकिन जो कोई गृहस्थी होता है, लेमैन होता है, साधारण व्यक्ति होता है, वो भी इन प्रवचन माताओं का पालन करे तो उसका भी जीवन धन्य बन सकता है, क्योंकि वो तो पराकाष्ठा है और गृहस्थ जीवन एक सामान्य जीवन है। हर व्यक्ति पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति मेरिटोरियस नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मेधावी नहीं हो सकता। कॉमन मैन होते हैं, मेधावी तो बहुत गिने चुने बिरले व्यक्ति होते हैं जो कि इतनी पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। तो आठ प्रवचन माताएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे कि देखिए ये प्रवचन माताएं वो कवच है जो कि जो व्यवहार जगत है, जो व्यवहारिक जगत है, उस जगत को किस तरीके से अच्छा बनावे। और उस व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। कोई भी साधु व्यवहार पक्ष में जब तक शुद्ध नहीं हो जाता है, लोगों की नज़र में वो शुद्ध साधु नहीं दिखता है, तब तक अपनी साधना को अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि एक साधु को समाज के बीच में रहना पड़ता है और समाज उनको एडॉप्ट करना चाहिए, समाज उनको सम्मान देना चाहिए, समाज के लोगों के हृदय में उनका स्थान, और उसकी तभी हो सकता है जब वह कि उसके अनुकूल हो, जबकि वो उसकी कसौटी पर कसा जा सके। तो ये ऐसे आठ प्रवचन माताएं सहायक तत्व है, ये कवच है, ये बाउंड्रीज हैं जो कि उस साधु चर्या को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पहली प्रवचन माता हो गई है, पहली माता, आठ की हम बात करते हैं। इरिया समिति, उनको समिति भी बोला जाता है, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना संबंधी समिति, आदा निक्षेप समिति और उत्सर्जन समिति, और बाकी तीसरी है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, तीन गुप्ती और पांच समिति, ये आठ प्रवचन माताएं होती है। एक एक का हम वर्णन करेंगे। इरिया समिति, इरिया का अर्थ होता देखभाल कर चलना, और ये जो बातें बताई जा रही हर इंसान पे, हर मनुष्य पे, मानव मात्र पे लागू होती है। चल करके देखना, जो चल करके देखता है वो ठोकर नहीं खाता है, और चल करके देखता है तो कोई तरह का जानवर, छोटा जंतु, चींटी भी उसके ऊपर पैर नहीं रख करके उसको हिंसा नहीं होती है। हिंसा को रोकने के लिए इरिया समिति और ये आठ प्रवचन माताएं कही गई है। इरिया समिति का होता है मतलब ये गमन योग है, चलते वक्त आपका ध्यान चलने के अंदर होना चाहिए। इस गमन योग के करने से जो है आप जो है कोई वस्तु भी प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी भी वस्तु नीचे गिर गई है तो वह भी उसको देख करके प्राप्त की जा सकती है और उसको ठोकर नहीं लग सकती है, और उसके सामने वाला व्यक्ति कोई आवे तो उसे भिड़ंत या एक्सीडेंट टाइप कुछ नहीं होता। इरिया समिति गमन योग है, इसको देख कर चलने से हमें बहुत से लाभ होते हैं और हमारा सारा जो वो अटेंशन उसकी तरफ होती है, तो एक भावक क्रिया भी होती है। ये गमन योग, इरिया समिति और आठों प्रवचन माताएं, ये जो है भावक क्रिया है। भावक क्रिया का अर्थ वर्तमान में रहना, जो आठ प्रवचन माताओं के अंदर रहता है वो वर्तमान में जीता, और वर्तमान में जीने वाला हमेशा सुखी रहता है, ना तो वो भूत में जाता है
न वह भविष्य में जाता है। वर्तमान में रहना वाला व्यक्ति बहुत बड़ा साधक है, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसका सहज ही शुद्ध सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी भी राग द्वेष नहीं करेगा, वो कषाय से मुक्त रहेगा। क्योंकि कषाय कब होता है, जब हम भूत में जाते हैं और भविष्य में जाते हैं, वर्तमान में रहते हैं तो हमारा कोई कषाय नहीं होता है, हमारी विचारधारा शुद्ध होती है, हमारा भाव शुद्ध होता है। इसलिए भाव शुद्धि का सबसे बड़ा 8 प्रवचन माताएं भाव शुद्धि का उपक्रम है। इनके उपमेय जागरूकता के साथ के अंदर और जिस वक्त के अंदर जो क्रिया कर रहे हैं उसी के अंदर हमें मग्न रहना चाहिए, लग्न रहना चाहिए और उसी में जागरूक रहना चाहिए। अब ये देखिए, इरिया समिति, भाषा समिति, भाषा ऐसी बोलनी चाहिए किसी को कष्ट ना हो। इस जबान के अंदर ही अमृत है, इस जबान में भी जहर है। मारवाड़ी में कहावत है, बोलिया के लाद्या। कोई व्यक्ति अगर एक सेंटेंस बोलता है उस सेंटेंस के अंदर उसके जीवन की गहराई का अंकन किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारे भाव भीतर से आते हैं, भाव से विचार बनता है, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार बनता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। मुख्य भाव है, भावों से हमारे विचार बनते हैं और भावों से हमारी भाषा बनती है। भाषा के द्वारा हम समाज के अंदर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, विनिमय करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे संपर्क बढ़ाते हैं। भाषा ना हो तो व्यक्ति पशुवत रहेगा, व्यक्ति गूंगा रहेगा, और जब गूंगों की जमात होगी तो वो क्या व्यवहार करेगा और क्या दुनिया चलाएगा। इसलिए भाषा समिति बहुत जरूरी है। हमें भाषा सीमित बोलनी चाहिए, अर्थपूर्ण बोलनी चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए और वाचालता नहीं करनी चाहिए। इतना ही बोला जाए जितनी आवश्यकता होगी। तो भाषा के इतने पैरामीटर्स को जो व्यक्ति पालन करता है तो वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए भाषा समिति जो है कवच है। भाषा के माध्यम से हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, और अच्छी भाषा बोलने वाला उसकी कभी शत्रु नहीं हो सकता। कैसे शत्रु से मित्र बनता है, देखिए। अगर हमारी किसी से बहुत बड़ी शत्रुता है तो हमने शुद्ध हृदय करके और उसके साथ में प्रणाम करके, उसको दंडवत करके, उसको दोनों हाथ जोड़ करके शुद्ध हृदय से कहा, भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पापी हूँ और मैंने बहुत बड़ा आपके साथ में कुठाराघात किया है, आपको दुख दिया है, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करता हूँ और भविष्य के अंदर ये गलती नहीं करूँगा। आप मेरे मित्र हो और मैं जीवन भर आपका मित्रवत रहूँगा, और आपके साथ में जो दुख हुआ है उसका मैं अच्छे समय के साथ में अच्छे रूप के अंदर जो है आपका बदला चुकाऊँगा, आपका आसान मंद रहूँगा। इस तरह की हम बात करते हैं तो कैसे एक बड़ा से बड़ा शत्रु हो तो हमारा मित्र बन जाता है। क्योंकि वह इंसान है, उसके अंदर भी चेतना है, चेतना का गुण है वो क्षमा का गुण है, वो हमें क्षमा कर देता है। इतनी बड़ी भाषा में ताकत है और भाषा के ऊपर कमांड रखने बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं। बहुत बड़ा अगर व्यक्ति विद्वान है लेकिन भाषा को सही तरह से उपयोग करना नहीं जानता है तो वह प्रस्तुति नहीं दे सकता। पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों मुख्य तत्व होते हैं विद्वान के लिए, व्यक्ति के लिए। उसी से व्यक्ति को पूजनीय और व्यक्ति सार्थक बनता है। तो तीनों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमें मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन मनन और निध्यासन करना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ हम मनन करेंगे, गहराई में जाएंगे तो हमारी अनुभव की गहराई बढ़ेगी, तो वहां से भीतर से हमें ऊर्जा मिलेगी, भीतर से नवनीत मिलेगा। क्योंकि भीतर में हमारी आत्मा है, अनंत ज्ञान का भंडार है। तो मैं भाषा की बात कर रहा था, भाषा समिति, इरिया भाषा और एषणा समिति। एषणा का अर्थ होता है कि भोजन जो है वो ग्रहण करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना, कि वो भोजन साधु के लिए भोजन मेरे द्वारा तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि उसके द्वारा बनाया जाता है तो वह भी जो हिंसा के अंदर सहयोगी बन जाता है किसी भी घर से। इसीलिए जो साधु होते हैं वो गोचरी करते हैं। गोचरी का अर्थ होता है गो जैसे चरती है, गो कभी भी गऊ जो है, गाय है, किसी भी पौधे के ऊपर उसको जड़ से नहीं उखाड़ती है। दूसरे जानवर उसको जड़ से उखाड़ के खा जाते हैं, ऊपर से पत्तों पत्तों को खाती है, क्योंकि उसको कष्ट नहीं देना चाहता, और अलग अलग जगह से खाती है ताकि कि वो सबको जो है कष्ट नहीं हो। तो ये जो
है भंवरा क्या करता है कि भंवरा जो मधु का पान करता है वो अलग अलग फूलों पे जाकर के मधु का रस लेता है। तो ये जो भंवरा की जो वृत्ति है ये गोचरी कहलाती है। तो अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के उनको भी कृतार्थ करना सामने वाले को कि साधु जी ने मेरा जो है ये भोजन ग्रहण किया तो मैं उसके उनका एक सत्कार ग्रहण किया जाता है। तो इसीलिए ये हमारी एशना समिति, तो हम भोजन की भोजन पानी जो लेते हैं उसको जांच करके लिया जाए, किसी एक स्थान से ज़्यादा न लिया जाए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कहीं पर स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है तो साधु पात्रा भर ले, क्योंकि ऐसा उसको वर्जित है। साधुचर्या के अंदर मादकता पैदा करने वाला, उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन नहीं करना है, कि उनको ब्रह्मचर्य में रमण करना होता है। इसीलिए उनको जो है वो छह रस होते हैं, उन छह रसों में से ज़्यादातर रसों का परित्याग करना होता है और भोजन का जो है जांच करके थोड़ा थोड़ा भोजन बहुत से लोगों से लेना, जो ये मधुकरी वृत्ति कहलाती है, गोचरी कहलाती है। तो इरिया भाषा एषणा उसकी जाँच करना कि हिंसा तो भोजन को लेने में, भोजन को बनाने के जिसने बनाया वो हिंसा युक्त तो नहीं है। हिंसा को टाल करके जो शुद्ध भोजन हो, जो कि ग्रस्त जो है अपने हिस्से में से दान करे, भोजन दान करे, पानी दान करे, दवाई दान करे, कोई भी वस्तु का उनको दान करे, तो वो जो है वो पयन लयन पुण्य, शयन पुण्य और वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य, नौ तरह की पुण्य की कोटि में आता है। नौ तरह का जो है व्यक्ति विसर्जन करके वो साधु को बहराता है, साधु को देता है। तो ये इस तरीके से रिया भाषा और एषणा समिति होती है। और उसके बाद होती है आदान निक्षेप। आदान निक्षेप का अर्थ होता है जो वस्त्र है पात्र है, सोने की जगह है, उनको देखना, क्योंकि साधु को बिना पूंजे बिना देखे कोई भी चीज़ ग्रहण न करना। अगर कोई उनको चाहिए कि उनको बिस्तर पड़ा है तो बिस्तर पाट पड़ा है तो पाट को अच्छी तरह से जो है वो उसको जो है वो पलेवना करनी होती है, उसके ऊपर कोई जीव तो नहीं, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सीधा से जब वो सो जाए और जीवों की हिंसा हो जाए। कोई भी पात्र लिया जाए, कपड़ा धोने का पात्र लिया जाए, उसकी भी गवेषणा करना, उसकी भी जाँच पड़ताल करके करना, उसके ऊपर कोई जीव नहीं है। मूल है इन प्रवचन माताओं के उद्देश्य ही है कि हमें जीव को बचाना है, हमें जीव हिंसा को रोकना, अहिंसा का सूक्ष्मतम पालन करना है। इसीलिए कवच कहे जाते हैं, हरेक के अंदर ये देखा जाता है। तो वस्तुओं के लेने देने में, दवाई के लेने देने में, कोई भी वस्तु जो साधु के लिए उपयोग की आवश्यकता होती है उनको जांच करके लेना चाहिए, वस्त्र को, पात्र को और अपने जहां पर बेड जिसके ऊपर सोया जाता है सबको जो है आदान निक्षेप देख करके जांच करके लेना, उसका उपयोग करना, उसकी पलेवना करने के बाद के अंदर उसके ऊपर सोना, यह आदान निक्षेप। ये हर व्यक्ति अगर ऐसा करे कि जिस चीज का उपयोग कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं वहां जानवर इकट्ठे हो रहे हैं और जानवरों की हिंसा हो जावे, उन जानवरों को अलग किया जाए। अगर हमारे गृहस्थी के जीवन के अंदर जो कई चीजें होती है तो वो वहां पर जो है जैसे भोजन है एक जगह डाल दिया तो चींटियां इकट्ठी हो जाती है, कई जगह मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, कई जगह मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना होता है। तो किसी बेचारा जो जीव है उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उस जगह पर रहने के लिए तो उस चीज को ना करनी चाहिए, उस चीज से उसको जीव को हटाना चाहिए, उसकी जीव की हिंसा न करना हमारा ध्येय है। क्यों? हिंसा ही कर्म बंधन का कारण होती है, हिंसा से ही हमारी आत्मा भारी होती है, हिंसा से ही कारण शरीर बनता है, कॉजल शरीर होता है और लिंग शरीर बनता है। उसको रोकना है, सबसे बड़ा जो हमारा कॉजल बॉडी बनने का कारण वो हिंसा है, उसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए ये आठ प्रवचन माताएं हैं, ये आठ ऐसे साधन हैं, आठ ऐसे जो है वो एक पर्याप्त हमारी चीजें हैं जिनको कि हम प्राप्त ग्रहण करके उन सबको हिंसा को रोक सकते हैं। तो हमारा हो गया पहले इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा, आदान और उत्सर्जन समिति। देखिए शरीर की आवश्यकता होती है, मल मूत्र कफ पांच तरह से जो हमारी अशुद्धियां निकलती है, पसीने से निकलती है, कफ से निकलती है, मल से निकलती है, मूत्र से निकलती है और हमारे श्वास के साथ निकलती है। तो इनके जो ये जो अशुद्धियां होती है, इन अशुद्धियों के लिए जो उत्सर्जन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मल का ऐसी जगह त्याग करना, मूत्र का ऐसी जगह त्याग करना, कफ का ऐसी जगह करना जहाँ पर कोई बीज तो नहीं बैठा, मान लो कुछ जो जीव जंतुओं का झुंड बैठा और उसके
आपने कफ डाल दिया तो बेचारे सब मर जाएंगे, वहाँ पे मल मूत्र डाल दिया तो बेचारे मर जाते हैं। और उसके साथ में एक एक जो है व्यवहार पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों को ये बुरा न लगे कि देखो मल मूत्रों का विसर्जन जो है सामान्य पब्लिक प्लेस पे कर दिया गया है। तो ये उत्सर्जन जो है उसका व्यवहार पक्ष का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, और व्यवहार शुद्धि अगर एक साधु या कोई भी एक ग्रस्त या कोई भी व्यक्ति मात्र जो है व्यवहार शुद्धि का पालन नहीं करता है तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार से ही व्यक्ति निश्चय में जाता है और व्यवहार के द्वारा ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं। व्यवहार ही दिखाई देता है, निश्चय तो भीतर जगत का है, वो दिखाई नहीं देता है कि भीतर के अंदर व्यक्ति के कषाय कितने कमजोर हैं, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति भीतर के अंदर कितना कोमल है, भीतर के अंदर व्यक्ति कितना प्रायश्चित करता है, व्यक्ति भीतर के अंदर कितने शुद्ध भाव रखता है, व्यक्ति भीतर में मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता कैसी भावना रखती है, तो एक निश्चय की बात है। लेकिन ये जो बात की जा रही है ये व्यवहार जगत की बात की जा रही है। इरिया भाषा ऐष्णा आदाम निक्षण उत्सर्जन ये पांच समिति होगी। हम तीन गुप्ती की बात करते हैं जो कि योग कहलाते हैं, मन वचन काया योग है। और ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है ये भुगतान के लिए मिला है। हम इस शरीर को मनुष्य को हमें सोचना चाहिए, सनातन सत्य प्राप्त करना है तो सोचो कि मैं कौन हूं। जब आप ये सोचने लगोगे, गहराई में लगोगे तो आपको एक सनातन सत्य मिलेगा कि मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूँ। कैसी शुद्ध आत्मा? राम के जैसी शुद्ध आत्मा, कृष्ण के जैसी शुद्ध आत्मा, जो है वो महावीर के जैसी शुद्ध आत्मा, 24 तीर्थंकरों के जैसी शुद्ध आत्मा, ईसा मसीह की जैसी शुद्ध आत्मा, और जो है वो हमारे जो मोहम्मडंस के जो भगवान है उनकी शुद्ध आत्मा, ईसाइयों के भगवान है उनकी जैसी शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध आत्मा 84 लाख जीवाइयों की शुद्ध आत्मा एक सी है। ये निश्चय का जगत है। तो ये जो हम मन वचन काया रूपी जो शरीर है ये भुगतान, ये जो शरीर मिला है ये किस लिए मिला है? सनातन सत्य तो एक शुद्ध आत्मा है, लेकिन शरीर किस लिए मिला है? कुछ हमने जो है गलत काम किए, हमने दुष्कृत किए, पाप किए और लोगों के प्रति बुरे भाव रखे, तो उसके कारण जो है हमें वैसा ये शरीर मिलता है। तो शरीर मिलता है ये पूर्व कृत कर्मों के कारण मिलता है, जिनको कि गुप्ती कहा जाता है। मन वचन काया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मन हमें, मन के कार्य क्या है? मन का विचार है कि वर्तमान में वो चिंतन करता है, भविष्य की जो है कल्पना करता है, भूतकाल की स्मृति करता है, मन का कार्य है। और मन का दूसरा कार्य है कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इन पांच विषयों के जो विषय जो ये मन लेता है उसकी योजना बनाना, और सारी योजना बना करके चिंतन करके बुद्धि को देता है, बुद्धि निर्णय करती है। मन का काम योजना बनाना है, वह संयोजक होता है, वह संयोजना करने वाला होता है। तो हमारा मन हर वक्त में जो विचार चलते रहते हैं, देखिए विचार जड़ है, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं, मैं अलग हूं, विचार अलग है, मैं तो दृष्टा हूं। और ये विचार है दृश्य, मन जो चल रहा है, जो विचार कर रहा है, हर क्षण विचार करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हर प्राणी विचार करता रहता है जिसके मन होता है। तो मन तो एक फिल्म है, मैं तो फिल्म देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं फिल्म नहीं हूँ, फिल्म अलग है, मैं अलग हूँ। ये बहुत बड़ा सनातन सत्य है। दोनों के बीच के अंदर भेद विज्ञान करना होता है, ये अक्रम विज्ञान है, ये मोक्ष विज्ञान है कि दोनों का भेद करो, आप अलग हो, विचार अलग हो, विचारों को बाईपास करो। जो विचार आ रहे हैं हर क्षण आते रहेंगे, आप विचारों को बाईपास करना जाओगे, उसको एक फिल्म मानोगे, उसका दृष्टा मानोगे, तो विचार आते रहेंगे जाते रहे, उसके साथ जुड़ो मत। होता क्या है, सामान्य व्यक्ति विचारों के साथ में जुड़ जाता है, जुड़ते ही वो राग द्वेष करता है, राग द्वेष करते ही वो जो कर्म बीज डालता है उसके अंदर भाव अशुद्ध हो जाते हैं, और वो अगले जन्म के लिए हमारा एक कॉज बनता है, और उस कॉज के कारण जो है हमें आगे कॉजल बॉडी बनती है, और कुछ कॉज से कॉजल बॉडी बनती है, और कॉजल बॉडी से हमें सुख दुख मिलता है। इसलिए हम कॉज न डालें, इसमें हम स्वतंत्र है, लेकिन जो हमारे विचार आ रहे हैं उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व कर्त है, ये तो आते रहेंगे। तो ये इसका मन का कार्य है, इसको अलग समझो और आप अलग रहो। जब अलगते रहोगे, विचारों का बाईपास करते रहोगे, तो हमारी नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। जब नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी और पूर्व की है, उस पर्व की कॉजल बॉडी को समाप्त करते जाएंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसमें से कुछ न कुछ शिक्षा मिले, कुछ ज्ञान मिले, कुछ जीवन की दिशा मिले,
जीवन में परिवर्तन हो, कुछ सूत्र मिले। कार्यक्रम का नियोजन किया गया और कार्यक्रम अपनी सही दिशा में चल रहा है। कार्यक्रम लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इसीलिए टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं। हमारे पास बड़ा बड़ा फीडबैक आ रहा है। तो इसी क्रम में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप खूब शतायु होकर के परोपकार करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल भावना।